हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपका जो रिज़ल्ट आया है उससे संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपके रिज़ल्ट में आपको संतुष्टि नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट का स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं या उस सब्जेक्ट का री इवेल्यूएशन करा सकते हैं। तो ये स्क्रूटनी कैसे कराना है, री इवेल्यूएशन कैसे भरना है, उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है 13 मई को सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो आपका दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आपको कोई रिजल्ट में डाउट है, आपका मार्क्स जो आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपको उसको सही कराना है, तो आप स्क्रूटनी भर सकते हैं या री इवेल्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का नाम है www.result.btupexam.in। ये वेबसाइट का लिंक है, इस पर जाकर आप अप्लाई फॉर स्क्रूटनी या फिर इस री इवेल्यूशन कर सकते हैं। जब आप उसमें जाएंगे तब वहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा, अप्लाई फॉर स्क्रूटनी री इवेल्यूशन। आप उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तब आप उसमें अप्लाई करने के लिए इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का करने के लिए आप उसमें जब लॉगिन करेंगे तो इसमें आप टिक करेंगे आप कि आपको स्क्रूटनी कराना है या फिर री इवेल्यूशन कराना है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी या री इवेल्यूशन कराना है, वो आप सेलेक्ट करके सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से उसको प्रिंट करके सेव कर लेंगे, ठीक है। अब आपने जब इसमें अप्लाई कर दिया कि हमें किस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कराना है या री एवेल्यूशन कराना है, उसको सबमिट कर दिया है। अब उसके बाद आप अगले दिन, ठीक है, 24 घंटे बाद उस स्क्रूटनी की या री एवेल्यूशन की फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी दिन आप नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा फ़ीस सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो 24 घंटे बाद एक्टिवेट होता है फ़ीस सबमिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप स्क्रूटनी या री इवेल्यूएशन में से किसी एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। या तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं या फिर री इवेल्यूएशन करा सकते हैं। दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या है कि आपको फ़ीस जमा करनी है ऑनलाइन, ठीक है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, आपने अगले दिन लॉगिन किया फिर से, ठीक है। वहाँ पर आप जाएंगे पे फीस ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर जब आपने उसको सेलेक्ट कर लिया तब वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे टेक्स्ट बॉक्स में और फिर सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद वो अगले पेज पर चला जाएगा। वहाँ पर आपको जो पेमेंट की डिटेल्स है वो फुल करनी है। वो क्या क्या हो सकती है, वहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा जो आएगा उसको भरना है। कैप्चा करने के बाद आप सबमिट बटन क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद ही वो वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, आप वेरीफाई कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। फिर क्या होगा, वो आपको अगले पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा। या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड पेमेंट कर सकते हैं या अदर कोई पेमेंट, मतलब उस नेफ्ट या RTGS कर सकते हैं और या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, वो चालान का प्रिंट आउट ले लेंगे और फिर SBI के किसी बैंक में जाकर उस चालान को जमा कर देंगे, ठीक है। और उस जो रसीद होगी वो उसको अपने पास सेव रखेंगे। और बाकी जो सभी स्टूडेंट्स हैं जो इन चारों माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, वो भी पेमेंट होने के बाद जो उसकी रिसीट आएगी उसको अपने पास सेव रखना है। अब रिसीट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बैंक जाकर ही उसकी जानकारी लेनी होगी, ठीक है। तीसरा स्टेप है कि फीस हमने सबमिट कर दिया, अब हमने उसकी रिसीट लेनी है, ठीक है। तो अब ये फिर हमें 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, 24 घंटे बाद ही हम उसकी रिसीट को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो
जब आप 24 घंटे बाद फिर से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर एक बटन दिखेगा आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसीट ऑफ द पेमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेमेंट रिसीट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वो आप डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप अपने पास सेव रखेंगे और एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने संस्था प्रधानाचार्य को भी ले जाकर जमा करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिस पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का जो डेट है वो 14 मई से स्टार्ट है और 20 मई इसकी लास्ट डेट है। 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 22 मई तक अपनी जो रिसीट है उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 20 तारीख तक लास्ट डेट अप्लाई करने की, 22 तारीख तक आपको प्रिंट निकालने की लास्ट डेट है, ठीक है। आई होप आपको स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन या री एवेल्यूशन से संबंधित जानकारी मिल गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।